आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ फेलुदा सीरीज़ की अगली कहानी द सीक्रेट ऑफ द सेमेट्री, जिसका बंगाली नाम है गोरोस्थाने साबथान। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। इस कहानी में सत्यजीत रे ने एक हॉरर का टच भी डाला है, क्योंकि जहाँ बात कब्रिस्तान की हो और हमें डर ना लगे तो ऐसी कहानी को पढ़ने और सुनने में क्या मज़ा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है जब लाल मोहन बाबू ने एक ज़बरदस्त कहानी लिखी है और उस कहानी पर एक मूवी बन गई है जो सुपर डुपर हिट है। इसकी कमाई से खुश होकर लाल मोहन बाबू ने अपने लिए एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी है, लेकिन उस कार का रंग और उसका हॉर्न इतना अजीब है कि फेलुदा को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लाल मोहन बाबू ने हरी नाम का एक बहुत ही स्मार्ट सा ड्राइवर भी रख रखा है, जिसे कलकत्ते की गली गली चप्पे चप्पे का बहुत अच्छे से सब आइडिया है, उसे बहुत अच्छी नॉलेज है, और उसकी ये नॉलेज कहानी में आगे हमें बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। ये हरी जो है ड्राइवर, ये लोग जो हैं फेलुदा तोपशे और लाल मोहन बाबू, इनकी नई गाड़ी में बैठ के कलकत्ते की गलियों में घूमने लगते हैं। इधर फेलुदा ने कलकत्ते पर काफ़ी रिसर्च की है, वहाँ की लाइब्रेरीज़ में जाके काफ़ी कुछ पढ़ा है वहाँ पर, और जोब चारनॉक नाम के एक आदमी के बारे में पढ़ा है जिनकी कब्र वहीं पर कलकत्ते में है, ओल्ड कलकत्ते में है। तो ये लोग सब लोग सोचते हैं कि चलो उनकी कब्र पे हम लोग जाते हैं, होकर आते हैं। वहीं पे इन लोग घूमते घूमते निकलते हैं फैंसी लेन के थ्रू। अब जब फेलुदा बताते हैं लाल मोहन बाबू को कि दरअसल ये फैंसी लेन जो नाम है, ये नाम आया है फांसी लेन से, क्योंकि यहाँ पर एक जो फ्रीडम फाइटर थे नंद कुमार, उनको अरेस्ट करके उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था लगभग 200 साल पहले, और तब से इस गली का नाम फांसी लेन या फांसी गली पड़ गया, जिसे अब फैंसी लेन के नाम से जाना जाता है। दो महीने से जो भी फेलुदा ने सब जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उससे हमें भी काफ़ी नॉलेज मिल रही है पुराने कलकत्ते के बारे में। ये सारे पहुंच जाते हैं बीबीडी बाग, बीबीडी बाग जिसे डलहौजी स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। डलहौजी जिसे हम जानते हैं वो गवर्नर जनरल थे। ये जो जॉब चारनॉक की जो टूम्ब है, जो उनकी कब्र है, वो भी उसी जगह पर है। ये पहला ब्रिक का स्ट्रक्चर था जो कलकत्ते में बना था। ये सारे वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं उस कब्र को, तभी आसमान में बहुत काले बादल आ जाते हैं, और वो बादल घने पे घने होते जा रहे थे। जो इनकी कब्र थी जोब चारनॉक की, उसके ऊपर लिखा था DOM। तो लाल मोहन बाबू पूछते हैं फेलुदा से कि इसका क्या मतलब है। फेलुदा उन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है डोमिनस ओमनियम मैजिस्टर, यानी गॉड इज़ द मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। इसी तरह से कब्रों पे जो जो चीज़ लिखी थी कि वो कितने उम्र के थे, उनका नाम क्या था, ये सब फेलुदा उन्हें समझा रहे थे। लेकिन ये जो काले बादल आए थे, इनका मन तो कुछ और ही था। वो जो काले बादल थे और जो हवा थी, वो बहुत तेज़ होती जाती है, और हवा लगभग 150 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और एक भयानक तूफान का रूप ले लेती है। कई पेड़ उखड़ उखड़ के सड़क पर गिरने लगते हैं। ये सारे तेज़ी से भागते हैं, लाल मोहन बाबू की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से रवाना होकर सेफली अपने घर पहुँचते हैं। अगले दिन जब अखबार पढ़ते हैं फेलुदा, तो मालूम पड़ता है कि शहर में लगभग उस दिन 50 पेड़ उखड़ गए थे और कई चीज़ें तबाह हो गईं। उसी में खबरों के बीच में एक बहुत प्रमुख खबर थी कि एक बहुत बूढ़े प्रेस रिपोर्टर हैं मिस्टर बिस्वास, मिस्टर MN बिस्वास, जो उस रोज़ एक कब्रिस्तान में घायल हो गए थे पेड़ गिरने से, और फिर वो जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागे, तब भी उनके सर पे कई टाके लगे। फेलुदा सोचने लगते हैं कि आखिर एक प्रेस रिपोर्टर शाम के समय में कब्रिस्तान में क्या कर रहा था। उनकी उत्सुकता जाग जाती है जानने के लिए, और ये पक्का करते हैं कि वो भी उसी कब्रिस्तान में जाएंगे जहाँ पर उस प्रेस रिपोर्टर के ऊपर पेड़ गिर गया था और वो बहुत घायल हो गया था। फेलुदा तोपशे और लाल मोहन बाबू पार्क स्ट्रीट में जो कब्रिस्तान था वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ के चौकीदार से वो लोग सब जानकारी लेते हैं। चौकीदार ज़्यादा बहुत ड्यूटी पे नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पर चोरी करने लायक तो कुछ था नहीं। वो बताता है कि हाँ, एक शाम पहले वहाँ पर एक आदमी आए थे, शायद वो प्रेस रिपोर्टर थे, और वो बहुत चोटिल अवस्था में यहाँ से गए थे। उनके सर पे काफ़ी चोट आई थी, खून बह रहा था। तो ये बोलते हैं फेलुदा कि ये भी जाना चाहेंगे उस कब्रिस्तान पे, उस जगह पे जहाँ पर उसे चोट लगी थी। वो रास्ता दिखा देता है
और ये लोग कब्रिस्तान में अंदर की तरफ गहराई में घुसने लगते हैं। धीरे धीरे शहर की जितनी भी ट्रैफिक की आवाज़ थी सब ख़त्म होने लगती है और सिर्फ वहाँ पे कीट पतंगों की आवाज़ ही आ रही थी। लाल मोहन बाबू को काफ़ी डर लग रहा था, वो बार बार देवी माँ को याद कर रहे थे। चलते चलते उन्हें आखिर में वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो पेड़ गिरा था और वहाँ पर जो कब्र थी वो शायद उस पेड़ की टहनियों से काफ़ी टूट गई थी। उसके जो अक्षर लिखे हुए थे वो इधर उधर ज़मीन पे गिर गए थे और सिर्फ गॉड लिखा हुआ दिख रहा था। ये लोग सोचते हैं कि किसी का नाम गॉड तो हो नहीं सकता, इसका मतलब जो उनके अक्षर गिर गए हैं उसको जोड़ कर ही ये वो नाम बना सकते हैं। सारे अक्षर उठाते हैं तो नाम बनता है थॉमस गॉडविन, जो लगभग 70 साल की उम्र में 24 अप्रैल को आज से 200 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। सफेरुदा उन्हें सब कुछ पढ़ के बता रहे होते हैं कब्र पर से, तभी वहाँ पे लाल मोहन बाबू को एक वॉलेट मिलता है, पड़ा हुआ जेंट्स वॉलेट था, उसमें 37 रुपीज़ थे। वो कहते हैं चलो आज के लंच का काम तो हो गया, हमें इतने रुपए मिल गए हैं कि हम आराम से कहीं खाना खा सकते हैं। वो मजाक कर रहे थे। वो फेलुदा को वो वॉलेट दिखाते हैं, फेलुदा उसको खोलते हैं तो उसमें से कई विजिटिंग कार्ड्स निकलते हैं और ये जो वॉलेट था ये उन्हीं M.N. बिस्वास का था जो प्रेस रिपोर्टर थे, उन्हीं का नाम लिखा था विजिटिंग कार्ड पे, शायद भागते समय वहाँ से वो गिर गया था। और उसमें कई पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, 3-4 कटिंग्स थी जिसमें इसी कब्रिस्तान का जो पार्क स्ट्रीट में है उसका जिक्र था। फेलुदा बताते हैं लाल मोहन बाबू से कि जो पेपर की कटिंग्स हैं ये बहुत पुरानी हैं, ये लगभग 150 से 200 साल पुरानी है और मिस्टर बिस्वास को ये कटिंग कहाँ से मिली ये सोचने की बात है, और आखिर वो कटिंग लेकर यहाँ पर क्यों आए थे। उसी में एक पुराना सा कागज़ भी लिखा था जिसमें विक्टोरिया नाम की किसी लेडी का नाम लिखा था। ये सारी चीज़ें वो रख लेते हैं अपने पास और सोचते हैं कि वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं मिस्टर एम बिस्वास वहाँ जाके उनका वॉलेट वापस कर देंगे और उनसे पूछेंगे भी कि वो इतनी पुरानी कटिंग्स कहाँ से लेकर आए। जब ये जाते हैं चौकीदार के पास, चौकीदार बताता है उन्हें उस हॉस्पिटल का नाम जहाँ पर उन्हें ले जाया गया था। लेकिन जब ये सब तीनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो मालूम पड़ता है कि M.N. बिस्वास कुछ ही देर पहले डिस्चार्ज होके वहाँ से अपने घर जा चुके हैं। उनके सर पे लगभग 5 से 6 टाँके लगे थे, पट्टी बंधी थी और थोड़ी और हाथ और रिस्ट में भी उन्हें चोटें आई थी। फेलुदा जो थे अभी पक्का करते हैं कि वो उनके घर जाएंगे और उनको वॉलेट तो उनका वापस करके आएंगे ही, साथ ही पूछ के आएंगे कि उन्होंने इतनी पुरानी कटिंग्स कहाँ से ली और विक्टोरिया नाम की जो लेडी है क्या वो क्वीन विक्टोरिया से कुछ रिलेटेड है। और भी उन्हें काफ़ी कुछ लिखा हुआ कोड भाषा में मिला था उस पेपर में, वो भी उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है। जब भी उनके घर पहुँचते हैं तो उनके छोटे भाई हैं जिनका नाम नरेंद्र बिस्वास है, वो दरवाज़ा खोलते हैं और बताते हैं कि उनके बड़े भाई के ऊपर पेड़ की एक टहनी गिर गई थी कब्रिस्तान में जिससे उन्हें बहुत चोट आई है और वो सो रहे हैं। जब फेलुदा जाते हैं तो वो अचौक के उठते हैं M.N. बिस्वास और उनके नाम मुँह से नाम निकलता है विल विल। फिर अचानक से भी देखते हैं कि फेलुदा वहाँ खड़े हैं तो बिल्कुल वो चुप हो जाते हैं। विक्टोरिया नाम पूछने पे बताते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही उन्होंने लिख रखा था, ये विक्टोरिया नाम भी किसी लेडी को नहीं जानते। और जब भी उसमें कोड वर्ड्स लिखे हुए थे जैसे M.Q.E.R. वो बोलते हैं ये सब पब्लिशिंग हाउसेस के नाम हैं, बोले उनके एक दोस्त ने उनसे पब्लिशिंग हाउसेस के नाम मांगे थे इसलिए उन्होंने लिखे थे, लेकिन उनका दोस्त अब फ़ौरन चला गया और उनके पास ये नाम सालों से लिखे हुए वॉलेट में ही रखे रह गए। फेलुदा उनको देखते हैं और बस आखिरी में एक शब्द बोलकर उनसे उठते हैं कि कभी भी लाइब्रेरी में जाके पुराने अखबारों की कटिंग मत निकालिए, ये जुर्म है। ये बात सुनते ही M.N. बिस्वास जो थे वो एक टक फेलुदा का चेहरा देखते रह जाते हैं, उनकी चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि सच में वहाँ की जो बड़ी सी लाइब्रेरी थी कलकत्ता की वहाँ से उन्होंने पेपर कटिंग निकाली थी और फेलुदा ने जाकर इतनी मेहनत करके वो पेपर्स निकाल के वो चेक किया था कि वहीं से वो कटिंग्स गायब थीं। फेलुदा पक्का करते हैं कि फिर से वो उस पार्क स्ट्रीट वाले कब्रिस्तान जाएंगे और फिर से जो थॉमस गॉडविन है उनकी जो कब्र है वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पेड़ गिरा था, कितनी बड़ी टहनी गिरी थी जिसने मिस्टर बिस्वास को इस तरह से घायल कर दिया। लेकिन जब ये लोग फिर से कब्रिस्तान जाते हैं देखते हैं वहाँ पर ऐसे तो गार्ड होता ही नहीं है, वो किसी ना किसी काम से हमेशा ही गया रहता था। और वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से फेलुदा को एक जलती हुई सिगरेट मिलती है उनकी जो कब्र थी उसके ऊपर, और ऐसा आहट होती है कि कोई तेज़ी से उनके करीब से भागकर निकल गया है।
लाल मोहन बाबू तो बहुत डर जाते थे इन चीज़ों से, लेकिन फेलुदा समझ जाते हैं कि कुछ तो क्रीपी है, कुछ तो सस्पिशियस है इस कब्र के पास, जो अक्सर ही इस कब्र के पास कोई आ रहा है और आज तो कोई जलती हुई सिगरेट छोड़कर ही तेज़ी से वहाँ भाग गया है। फेलुदा जरा सा ही आगे जाते हैं तो उनको कब्र के पास में एक गड्ढा दिखाई देता है, जैसे कब्र के बगल में कोई कुछ गड्ढा खोद के निकालने का प्रयास कर रहा हो। वो गड्ढा अभी फ्रेशली खोदा गया था लेकिन बहुत गहरा नहीं था। वहीं मिस्टर गॉडविन की कब्र के पास उनकी एक बेटी शार्लेट गॉडविन और दो बेटों की भी कब्र थी। शार्लेट गॉडविन का नाम सुन के लाल मोहन बाबू बहुत चौकन्ने हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। बार बार वो शार्लेट गॉडविन बोले और उन्हें जैसे कुछ याद आ रहा था। लाल मोहन बाबू की याददाश्त इस चीज़ में कमाल की थी। अगर वो चीज़ कोई पढ़ लेते थे कहीं लिखी हुई या कुछ देख लेते थे तो फिर वो उनके दिमाग पर ऐसी छप जाती थी कि सालों तक याद रहती थी। वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले पेपर में एक आर्टिकल छपा था थॉमस गॉडविन के ऊपर, जो उनकी बेटी शार्लेट गॉडविन ने लिखा था, ये उन्हें अच्छे से याद है। इसमें शार्लेट ने अपने पिता के बारे में बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि जो थॉमस गॉडविन थे ये लखनऊ के नवाबों से ताल्लुक़ रखते थे। लखनऊ के जो नवाब थे वाजिर अली, ये उनके यहाँ एक खानसामे यानी कि कुक थे, और वाजिर अली को उनके हाथ का बना खाना इतना पसंद था कि जब भी वो कहीं भी ट्रैवल करते तो थॉमस गॉडविन उनके साथ जाते थे। इसके बदले में उन्हें बहुत पैसा और बहुत इनाम भी मिलता था। उसके बाद थॉमस गॉडविन कलकत्ते में सेटल हो गए और यहीं पे इनका परिवार जो था आगे बढ़ा। शार्लेट आगे बताती हैं, कलकत्ता आने के बाद उनके पिता को जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी और जितने भी इन्हें गिफ्ट मिले थे वाजिर अली से उसमें से काफ़ी गिफ्ट और पैसे उन्होंने जुए में उड़ा दिए थे, और उसके बाद उनका जो खामियाजा था उनका इस तरह की हरकत का ये उनके परिवार को उठाना पड़ा था, और उनका परिवार बहुत ही गरीबी में उसने अपने ज़िंदगी काटी। जितना भी पैसा थॉमस ने कमाया था वो किसी के भी हाथ नहीं लगा। इतनी बातें बताते हैं लाल मोहन बाबू, जो उन्होंने पढ़ी थी उन्हें याद थी। शार्लेट ने कभी भी शादी नहीं की थी क्योंकि उनकी कब्र के ऊपर वर्जिन शार्लेट लिखा था, वो कुंवारी ही उनकी डेथ हो गई थी। अब लगता है फेलुदा को कि क्या थॉमस गॉडविन की जो आगे की पीढ़ियां बढ़ी होंगी, क्या वो कलकत्ते में रही होंगी या फिर वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चली गई होंगी। यही सब बातें हो रही थी एक रेस्टोरेंट में बैठ के जब ये तीनों डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ पर एक बैंड परफॉर्म कर रहा था। जब बैंड परफॉर्म करके चला जाता है तो वहाँ पर अनाउंस होता है कि अभी मिस्टर क्रिस गॉडविन के बैंड की म्यूज़िक आपने सुनी। क्रिस गॉडविन का नाम सुन के फेलुदा के कान खड़े हो जाते हैं। क्या क्रिस गॉडविन थॉमस गॉडविन का ही परपोता था? क्या रिश्ता था? सच में कुछ गॉडविन से रिश्ता था या फिर कोई दूसरा गॉडविन था ये? अगले ही दिन इन लोग एड्रेस पता करते हैं क्रिस गॉडविन का और उसके घर पहुँच जाते हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में क्रिस गॉडविन और उसका परिवार रह रहा था। बहुत ही गरीबी में बहुत ही ख़राब और गंदी सी वो बिल्डिंग थी। ऊपर जाने पे उन्हें क्रिस गॉडविन के पिता मिलते हैं जिन्हें गाउट हो चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे कमरे में रह रहे हैं। ऊपर की मंजिल पर क्रिस गॉडविन के चाचा रहते हैं। क्रिस गॉडविन के जो पापा हैं वो बताते हैं कि किस तरह से उनके जो परदादा थॉमस थे उन्होंने इतना नाम कमाया था, पैसा कमाया था, लेकिन धीमे धीमे सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब उनके पास सिर्फ उनकी यादगार के तौर पर एक हाथी दांत का डिब्बा है जिसके अंदर उनके 3-4 सामान रखे हुए हैं, लेकिन अब तो वो भी उनके पास नहीं रहा। तो फेलुदा पूछते हैं क्यों, वो डिब्बा कहाँ चला गया? तो कहते हैं कि अभी एक रात पहले ही उनका जो भाई है जो ऊपर के माले पर रहता है वो ना जाने क्यों उनसे वो डिब्बा मांग के ले गया और बोल रहा था कि वो थॉमस यानी अपने पर दादा की आत्मा को बुलाएगा और उनसे बहुत ज़रूरी कोई बात पूछेगा। फेलुदा को अजीब ही लगती है ये सब बातें सुन के। तो वो कहते हैं कि देखो आज थर्सडे का दिन है, थर्सडे के दिन ही ये आत्मा बुलाने का काम करते हैं और कुछ ही देर में तुम्हें ऊपर के माले से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगेंगी और वो थॉमस गॉडविन यानी मेरे पर दादा की आत्मा को बुलाएंगे। वो डिब्बा भी उन्हीं के पास है। मेरा भाई जो है उसकी लत अच्छी नहीं है, मुझे तो लग रहा है उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और वो डिब्बा ज़रूर बेच के खा जाएगा। थोड़ी देर में फेलुदा लोग ऊपर के माले पे पहुंच चुके थे। चुपचाप से वहाँ जो गेटकीपर खड़ा था उसे वो 2 रुपए का नोट पकड़ाते हैं फेलुदा, और कहते हैं कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। लाल मोहन बाबू को भी इंस्पेक्टर बताते हैं तो लाल मोहन बाबू जान के खड़े हो जाते हैं और ये सारे अंदर पहुँच जाते हैं।
अंदर का नज़ारा बड़ा ही अजीब था। एक मेज के चारों तरफ चार लोग बैठे थे, बीच में कैंडल जल रही थी और वो डिब्बा शायद जो हाथी दांत का था वो उसी मेज़ पे रखा था। थोड़ी देर बाद ही मेज़ हिलने लगती है और बार बार एक आदमी बुला रहा था, थॉमस गॉडविन, क्या तुम हमें सुन सकते हो? तीनों जो चारों लोग बैठे सबकी आंखें बंद थीं। अब ये सीन तो ऐसे बड़ा ही सीरियस और डरावना था, लेकिन फेलुदा ने जो काम किया वो उसने इस सीन को बिल्कुल कॉमिक सीन बना दिया। जब वो लोग बार बार पूछ रहे थे कि थॉमस गॉडविन क्या आप हमें सुन सकते हैं, फेलुदा पीछे से पर्दे के जाके बोलते हैं, हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर वो दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं? फेलुदा पीछे से कहते हैं, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। तो वो लोग पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? कहते हैं, मुझे अपना वो हाथी दांत का डब्बा वापस चाहिए, तुम लोग लेकर बैठे हो। थोड़ी ही देर में तोपशे को अपने कलाई के पास किसी का हाथ महसूस होता है, उसकी लगभग चीख निकल जाती है, लेकिन वो फेलुदा थे। तेज़ी से तीनों जिस सीढ़ी के उतर आते हैं और फेलुदा के हाथ में वो हाथी दांत का डिब्बा होता है जो वो चुपचाप से टेबल पर से उठा लाए थे, और वो चारों आँखें बंद करके थॉमस गॉडविन की आत्मा को ही बुलाते रह गए। घर आके वो डिब्बा खोला जाता है, उसके अंदर से सिल्क के कपड़े में लिपटी हुई एक डायरी निकलती है और तंबाकू की डिब्बी निकलती है और एक हाथ कोई वैल्यूएबल सामान थे वो और रखे थे। फेलुदा पूरी रात जाग के वो डायरी पढ़ते हैं। डायरी बहुत पुरानी थी और शार्लेट के हाथों की लिखी हुई थी। शार्लेट ने जैसे उस पेपर में काफ़ी कुछ बताया था वैसी ही बातें इसमें भी लिखी थी, लेकिन उसने विक्टोरिया नाम की किसी लड़की का जिक्र किया था। विक्टोरिया नाम की किसी लड़की से उसके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, लेकिन धीमे धीमे करके वो नाराज़गी उनकी ख़त्म हो गई थी और उन्होंने अपने वैल्यूएबल सामान से ये जो कुछ सामान वहाँ मिला है ये विक्टोरिया को ही दिया था, ये शार्लेट ने लिखा था। साथ ही शार्लेट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र किया था, पेरिगल रिपीटर का। पेरिगल रिपीटर कोई एक बहुत ही बहुमूल्य सामान था, या तो वो कोई बंदूक थी या फिर कोई घड़ी थी, जो थॉमस गॉडविन ने कहा था अपनी अंतिम इच्छा में कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसे मेरी कब्र के साथ ही दफना दिया जाए। फेलुदा को ये समझते देर नहीं लगती कि क्यों थॉमस गॉडविन की कब्र को खोदने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि किसी को मालूम पड़ चुका है कि उनकी कब्र के अंदर वो बहुमूल्य सामान दफनाया गया है, या तो वो बंदूक है और या तो वो घड़ी है, और उसे चुराने का प्रयास किया जा रहा है। फेलुदा बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करते और एक एंटीक शॉप पे पहुंच जाते हैं जो उनका दोस्त था। वो पेरिगल रिपीटर के बारे में उनसे पूछते हैं। वो बताता है कि पेरिगल रिपीटर एक बहुत पुराने ज़माने की घड़ी है जो जेब में रखी जाती थी, और वो बताता है कि इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मिस्टर चौधरी से मिलिए। मिस्टर चौधरी जो बहुत ही अमीर आदमी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कलकत्ता के, और एलीपोर में रहते हैं। सारे मिस्टर चौधरी के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर चौधरी का घर बहुत ही आलीशान था, मॉडर्न था, और उनके पूरे ड्राइंग रूम में हज़ारों घड़ियां टंगी थी। उन्हें घड़ी कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। और जैसे ही पहुंचते हैं फेलुदा, उस समय सुबह के 11 बजते हैं, सारी घड़ियां एक संग बजती हैं। फेलुदा को ये बहुत ही रोमांचक लगता है। फिर मिस्टर चौधरी उनसे मिलने आते हैं। मिस्टर चौधरी बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। कहते हैं लाल मोहन बाबू कि अगर मक्खी भी आके इनके गाल पर बैठ जाएगी तो वो फिसल के गिर जाएगी, इनके गाल इतने चिकने और स्मूथ हैं। सब इस बात पे हंसने लगते हैं। मिस्टर चौधरी बताते हैं कि हाँ, पेरिगल रिपीटर जो है वो एक बहुत ही बहुमूल्य घड़ी है। तो फेलुदा से वो पूछते हैं कि आपको पेरिगल रिपीटर के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा? तो वो बताते हैं फेलुदा की दरअसल पेरिगल रिपीटर उन्होंने जो पढ़ा है वो थॉमस गॉडविन की घड़ी है और कुछ लोग उसे चुराना चाहते हैं। ये बात सुनते ही मिस्टर चौधरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। फिर वो फेलुदा से कहते हैं कि तुम कितना भी स्मार्ट बनने की कोशिश करो, तुम वो घड़ी कभी भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि उस घड़ी पर सिर्फ मेरा हक है। फेलुदा को ये बात सुन के बहुत ही अजीब लगता है। वो वापस तो लौट आते हैं, लेकिन बार बार उनके मन में यही बात कौंध रही थी। ये कहते हैं तोपशे और लाल मोहन बाबू से कि तुम दोनों फिर से उस कब्रिस्तान जाओ और मैं ज़रा लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च वर्क करके आऊँगा। उन्हें कुछ फ़ोटोग्राफ्स का नेगेटिव्स मिले हैं जिसे उन्हें लार्ज कराना है। लाल मोहन बाबू तो दिन में भी कब्रिस्तान जाने से डर रहे थे। डरते डरते वो कब्रिस्तान तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका डर उनके सामने आ जाता है जब ये देखते हैं कि फिर से उनकी कब्र खोदने का प्रयास किया गया है मिस्टर गॉडविन की, और थोड़ा सा स्कल भी उनका दिखाई दे रहा है।
अब वहीं पे लाल मोहन बाबू बेहोश हो जाते हैं। तोपसे बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाता है और उनकी गाड़ी से वो लोग घर पहुंचते हैं। जब लाल मोहन बाबू बताते हैं फेलुदा को ये बात, तो फेलुदा तुरंत वहीं कहीं रवाना हो जाते हैं। और जब शाम को वो घर आते हैं तो उनके हाथ में एक बड़ी सी फाइल थी जिसमें कई फ़ोटोग्राफ्स थी। वो एक फैमिली फ़ोटोग्राफ थी। पूछते हैं फेलुदा से कि ये किसकी फ़ोटोग्राफ है, तो बताते हैं ये कि जो मिस्टर गॉडविन थी थे उनकी पोती जो है, उनके बहुत प्यार करते थे अपनी पोती से, और उनकी पोती का नाम विक्टोरिया था। वही नाम विक्टोरिया जो उस दिन उन प्रेस रिपोर्टर की पॉकेट में लिखा मिला था। वो बताते हैं कि उन्हें बहुत कुछ मालूम पड़ा है विक्टोरिया के बारे में। दरअसल विक्टोरिया ने एक बंगाली से शादी कर ली थी और इसीलिए उनके दादाजी उनसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी नाराज़गी दूर हो गई थी और इसीलिए विक्टोरिया को उन्होंने अपना बहुमूल्य जो हाथी दांत का बना डिब्बा था, उनका तंबाकू की डिब्बी थी और भी बहुत बहुमूल्य सामान उन्हें दिया था। विक्टोरिया के बारे में फेलुदा को और भी कुछ वो पता है जो कहानी में वो आगे खुलासा करेंगे। ये कहते हैं तोपशे से और लाल मोहन बाबू से कि दोनों लोग काले रंग के कपड़े पहन के तैयार हो जाओ उनके साथ जाने के लिए। जब तोपशे और लाल मोहन बाबू बाहर आ रहे थे तो जो ड्राइवर हरी था उसे फेलुदा बहुत सीरियसली कुछ समझा रहे थे। सारे फिर से कब्रिस्तान पहुंचते हैं, लेकिन इस बार फेलुदा अपनी गन भी साथ लेकर गए थे। कब्रिस्तान में जब वो लोग पहुंचते हैं गॉडविन की कब्र के पास, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तेज़ी से कब्र के पास खुदाई का काम कर रहा है। फेलुदा कहते हैं तोपसे से कि तुम यहीं रुको, मैं अकेले आगे जाऊंगा। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज़ आती है, लेकिन उसी पल कोई लाल मोहन बाबू को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश कर देता है और तोपशे के सर पे वार करके उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। जब होश आता है तो तोपशे एक बड़े से हॉल में बैठा था जहां पर फेलुदा भी बैठे थे, उनके सर पे चोट आई हुई थी, साथ ही लाल मोहन बाबू भी बैठे थे और वहां पर एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसने मूछे लगाई हुई थी, बहुत घनी मूछे थी उसकी और बहुत घने बाल थे, और फेलुदा से कह रहा था कि तुम उस घड़ी के बारे में, पेरीगल रिपीटर के बारे में क्या जानते थे। फेलुदा उसे कोई भी जवाब नहीं देते। तभी वहाँ पर वो आते हैं जिनका सबको इंतज़ार था, मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी कहते हैं उस दाढ़ी मूछ वाले आदमी से कि लाओ मेरा सामान मुझे दे दो जिसके लिए मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। कपड़े में लिपटी हुई एक घड़ी वह पकड़ा देता है आदमी मिस्टर चौधरी को। मिस्टर चौधरी खुशी खुशी वो कपड़ा खोलते हैं, लेकिन जब अंदर से वो घड़ी निकलती है तो वो कस के उस घड़ी को एक कुर्सी पर फेंक देते हैं और उसे अपशब्द बोलते हैं। कहते हैं इस डुप्लीकेट घड़ी के लिए तुमने मुझसे इतने पैसे लिए। अब जब कुर्सी पे वो घड़ी फेंकी जाती है तो लाल मोहन बाबू के निकलता है मुझसे कि अरे ये तो मेरी घड़ी है। फेलुदा को उन्होंने कुछ दिन पहले एक घड़ी दी थी जो उनके दादाजी की थी। अब लाल मोहन बाबू के लिए वो घड़ी बड़ी वैल्यूएबल थी, लेकिन चौधरी के लिए तो वो घड़ी किसी काम की नहीं थी। फेलुदा लाल मोहन बाबू से इशारा करते हैं कि तुम चुप रहो। कहते हैं मिस्टर चौधरी कि आखिर वो घड़ी कहाँ चली गई। वो जो पेरियाल रिपीटर थी ये तो एक डुप्लीकेट घड़ी है। तो वो जो दाढ़ी मूछ वाला आदमी था वो कहता है कि भाई मैंने तो थॉमस गॉडविन की कब्र से यही घड़ी खोद के निकाली है। तब फेलुदा उससे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुमने बिना गवर्नमेंट की इजाज़त से एक पब्लिक प्रॉपर्टी को खोदा है और उसमें से घड़ी निकाली है, तुम्हें इसके लिए मालूम है कितनी बड़ी सज़ा होगी। ये सुनते ही वो जो आदमी था जिसे बार बार मिस्टर चौधरी विलियम विलियम कह के संबोधित कर रहे थे, वो तेज़ी से वहाँ से भागने का प्रयास करता है। लेकिन जो ड्राइवर था हरी, जो लाल मोहन बाबू का ड्राइवर था जिसे फेलुदा ने बहुत कुछ समझाया था, दरअसल वो फेलुदा का पीछा करते हुए उस जगह पे आया था और वापस जाके वो पुलिस को साथ में लेके आया था। पुलिस उस विलियम को पकड़ लेती है। फेलुदा पुलिस से कहती है कि विलियम की दाढ़ी मूछ निकाल दी जाए, और जब विलियम की दाढ़ी मूछ निकाल दी जाती है तो दरअसल वो जो मिस्टर एम बिस्वास थे उनका जो छोटा भाई था वो वही निकलता है। फेलुदा कहते हैं कि ये दरअसल विक्टोरिया के पोते हैं, ये दोनों जो हैं विलियम से विक्टोरिया के पोते हैं, इन लोग बंगाली हैं इसीलिए इन लोग का नाम बिस्वास है, लेकिन इन लोग का फर्स्ट नेम विलियम एन बिस्वास है। पूरा नाम जो है दोनों का नाम के आगे विलियम लगा हुआ है, लेकिन अब इनके पापा बंगाली थे तो इसीलिए बंगाली नाम बिस्वास ये सर नेम की तरह यूज़ करते हैं, और पहला नाम जो है विलियम जो कि इनके दादा का नाम था, मीन्स विक्टोरिया के जो बेटे होंगे इनके जो नाना रहे होंगे उनका नाम विलियम ये पहले यूज़ करते थे। ये बताते हैं कि विक्टोरिया जो थी जो इनकी दादी रही होंगी उनकी कई चिट्ठियां इनके पास हैं और इन्हें उससे मालूम पड़ गया था कि वो जो घड़ी है वो विक्टोरिया को दी थी
मिस्टर गॉडविन ने, जो कब्र में दफन थी। अब ये जो छोटा भाई था मिस्टर एन विश्वास, ये जुआ खेलता था, ये घोड़ों पर पैसे लगाता था, इसीलिए इसको जब ये बात मालूम पड़ी तो ये कब्र खोद के उस रोज़ आया था। सबसे पहले जब ये कहानी स्टार्ट हुई थी उसी दिन ये कब्र खोद के वो घड़ी निकालने आया था, लेकिन उसको रोकने के लिए उसका बड़ा भाई जो प्रेस रिपोर्टर है वो वहाँ पर आए। दोनों भाई में झड़प हुई थी और छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत कस के एक लट्ठे से मारा था, वो पेड़ नहीं गिरा था। लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इतना प्यार करते थे मिस्टर विश्वास कि उन्होंने पुलिस को ये बात नहीं बताई, ये बात अपने मन में रखी और झूठ बोल दिया कि तूफान में पेड़ गिरने से उन्हें चोट लगी थी। वो हमेशा अपने भाई को रोक रहे थे लेकिन उसके मन में तो लालच आ चुकी थी, और ये लालच मिस्टर विश्वास के मन में डाली थी मिस्टर चौधरी, क्योंकि मिस्टर चौधरी को मालूम था कि एक पेरिगल रिपीटर है कलकत्ता में मौजूद, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो कब्र के अंदर दफन है। लेकिन पेरिगल रिपीटर गई तो गई कहाँ, किसी के हाथ नहीं लगी वो। फेलुदा वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं मिस्टर चौधरी से कि बहुत ही गलत तरीका उन्होंने अपनाया है इस तरह से किसी की चीज़ को हासिल करने का। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, मिस्टर चौधरी को भी, मिस्टर विश्वास को भी, और फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू पास में गंगा नदी के किनारे बैठ जाते हैं। फेलुदा उस दिन दिन भर लंगड़ा के चल रहे थे। बार बार तोपशे को ये परेशानी हो रही थी कि फेलुदा आखिर अपने जूते क्यों नहीं बदल लेते। फेलुदा अपने जूते की हील खोलते हैं थोड़ी देर बाद और कपड़े में लिपटी हुई एक चीज़ बाहर निकालते हैं। जब वो कपड़ा खोलते हैं उस समय सूरज उग रहा था और सूरज की रोशनी में वो पेरिगल रिपीटर घड़ी ऐसी चमकती है जैसे सच्चे सोने की बनी हुई वो घड़ी थी। फेलुदा कहते हैं कि जिस दिन लाल मोहन बाबू दिन में कब्रिस्तान गए थे उन्होंने खोपड़ी देखी थी खुदी हुई। फेलुदा समझ गए थे कि किसी ने फिर से कब्र खोदने का प्रयास किया और वो तुरंत कब्रिस्तान गए थे और कब्र खोद के उन्होंने ये घड़ी वहाँ से निकाल ली थी और उसकी जगह पर लाल मोहन बाबा की जो बाबू की जो दादा की घड़ी थी वो उन्होंने वहाँ चुपचाप से रख दी थी। वो बोलते हैं लाल मोहन बाबू कि अब इस घड़ी का क्या करेंगे, क्या म्यूज़ियम में हम लोग देंगे। कहते नहीं, मरने वाले की अंतिम इच्छा हमेशा पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मिस्टर गॉडविन की कब्र के अंदर हम वापस ये घड़ी रख देंगे और वो घड़ी हमेशा उन्हीं के साथ रहेगी। कहकर ये सब पार्क स्ट्रीट की उसी कब्रिस्तान में वापस चले जाते हैं। कहानी थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न से थी। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। कहानी फ़िलहाल आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर हिट करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।